गाइज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज सूरज, गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। हम लोग कर रहे हैं गुड़गांव में और ये सेक्टर 23A है और ये नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। 250 यार्ड्स का ये। एक बारी मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो फ्रंट एलिवेशन है, जो कि आप देख सकते हैं, और ये इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया। और फ्रेंड्स ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है जो कि आप देख सकते हैं। लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, लोकेशन भी अच्छा है इसका, प्रॉपर लोकेशन में। चूँकि कॉर्नर है तो इस वजह से आप ये साइड भी है, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे पेड़ वुड लगा सकते हो प्रॉपर आप। और इवन आपको इस साइड पे भी आप देख सकते हो कि प्रॉपर यहाँ पे विंडो का प्रोविज़न दिया गया है प्रॉपर लाइट एयर वेंटिलेशन के लिए, जो कि आप देख सकते हो। ये भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा साइड से भी पीछे की तरफ से। और ये प्रॉपर सेक्टर 23A है गुड़गांव। एक गेट वहाँ पे दिया था जो मैंने दिखाया अभी आपको, और ये वाला यहाँ पे सेकंड गेट है पार्किंग का, वहाँ से भी है, फ्रंट से भी है, यहाँ से भी है, और थर्ड गेट वहाँ से है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं। और सारे में मार्बल लगी हुई है, प्रॉपर स्टील के गेट लग रही है। ये सब डिज़ाइन आ जाएगा यहाँ पे, लाइट के लिए वहाँ प्रोविज़न दिया गया, जो कि देख सकते हो आप, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा ये। और ये आपको कंप्लीट हो जाएगा इन दी मंथ ऑफ जनवरी तक। और ये इसका थर्ड गेट हो गया फ्रेंड्स, ये तीसरा गेट हो गया इसका। और ये लोकेशन है, लोकेशन आप देख सकते हो, लोकेशन देखने में काफ़ी अच्छा है इसका, जो कि मैंने बताया आपको कि नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है ये, तो लोकेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है देखने में। अब हम लोग एंटर करेंगे पार्किंग की तरफ, जो इसका स्टिल पार्किंग है। गाइज ये हो गया इसका स्टिल पार्किंग, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक गेट लगी हुई है, एक गेट यहाँ पे लगी हुई है सेकंड गेट, और थर्ड गेट वहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसमें जो वाटर टैंक कैपेसिटी है, ये 5000 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी, एक 5000 का, एक मतलब 10000 टोटल हो गया। और टॉप पे जो है 2000 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी है पर यूनिट, मतलब 8000 लीटर का टेरेस पे है। उन्होंने ऐसा ही बना के दिया, कोई सिंटेक्स नहीं लगी हुई है, प्रॉपर उन्होंने टाइल्स लगा के दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। और ये इसका स्टील पार्किंग हो गया प्रॉपर, इसमें आपको फॉल सीलिंग का काम सारा कुछ ये दे रहे हैं बिल्डर, जो कि आप देख सकते हो। डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छा है इन्होंने दिया हुआ है प्रॉपर। ये इसका स्टेयर्स रूम हो गया, यहाँ पे भी स्टील की गेट लगी हुई प्रॉपर। और इवन आप देख सकते हो यहाँ पे एक रूम बनी हुई है, इसमें गार्ड रूम बोल सकते हो इसको आप, या सर्वेंट रूम। और यहाँ पे सारा काम चल रहा है अभी पत्थर का। और ये इसका हो गया स्टेयर्स रूम, और यहाँ पे लिफ्ट का यहाँ प्रोविज़न दिया गया है प्रॉपर, ये लिफ्ट का स्पेस है, जो कि आप देख सकते हो प्रॉपर। और ये इसका स्टेयर्स हो गया, इस सब में पत्थर लगेगी प्रॉपर, और ये सब में पत्थर लगेगी आपको प्रॉपर। ये हो गया लिफ्ट एरिया, जो कि देख सकते हो आप, लिफ्ट के लिए स्पेस छोड़ा गया यहाँ पे, काम इन्होंने काफ़ी अच्छा करा है। देखो कितना अच्छा स्मूथिंग है इसका, अंदर में भी अच्छे से काम करा इन्होंने, देखो। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर, और ये सब में पत्थर लगेंगे आपको प्रॉपर। और ये हो गया लिफ्ट एरिया, जो कि देख सकते हो आप, लिफ्ट के लिए स्पेस छोड़ा गया यहाँ पे, काम इन्होंने काफ़ी अच्छा करा है। देखो कितना अच्छा स्मूथिंग है इसका, अंदर में भी अच्छे से काम करा इन्होंने, देखो। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर। गाइज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज सूरज, गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स।
हम लोग खड़े हैं आज गुड़गांव में और ये प्लॉट साइज है 250 यार्ड्स, कॉर्नर प्रॉपर्टी है, नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स ये, और ये है 4 BHK सही फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कि ये इसके लॉबी में कितना ही रोशनी आ रहा है। रीज़न बिंग क्या है, कॉर्नर प्रॉपर्टी है, 3 बड़ी सी विंडो बनी हुई है और मार्बल लगी हुई प्रॉपर फ्रेमिंग में, देख सकते हो इसमें सारे आपको ग्लास लग जाएगी तीनों में, प्रॉपर लाइट और प्रॉपर एयर आएगी आपको इसमें, फॉल सीलिंग का काम भी चल रहा है इसमें जो कि आप देख सकते हो। ये फ्लोरिंग में सारे में पत्थर का काम होगा, मार्बल सब में लगेगी, चाहे वो रूम्स हो चाहे लॉबी हो। बताना चाहूँगा मैं आपको, एक बेडरूम ये हो गया, सेकेंड बेडरूम ये हो गया, कॉमन वाशरूम हो गया ये इसका, और इसमें स्ट्रेट मेरा एक थर्ड बेडरूम हो गया, एक राइट में एक फोर्थ बेडरूम हो गया, और ये वाला हो गया किचन एरिया। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम जो कि आप देख सकते हो। इसमें फ्लोरिंग में मार्बल का काम किया गया है, प्रॉपर मार्बल लगी हुई है इसमें, और आप देख सकते हो इसमें कि इसमें सीलिंग में भी कुछ कुछ डिज़ाइन किया गया है प्रॉपर, इसमें लाइटिंग का काम भी किया गया है इसमें, विंडो के लिए छोड़ा गया प्रोविज़न, डोर्स यहाँ आ जाएगी प्रॉपर, रूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा साइज़ है। मूविंग ऑन टू द फ्रंट बालकनी, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्बल लगी हुई है प्रॉपर जो कि आप देख सकते हो। और ये इसका लोकेशन हो गया, लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा लोकेशन। लोकेशन आप देख सकते हो, और ये इसका हो गया स्पेस यहाँ छूटा हुआ प्रॉपर, सामने का 8 मीटर की रोड है, कॉर्नर प्रॉपर्टी है जो कि आप देख सकते हो। ये यहाँ पे भी सामने में घर बन रही है, बिल्डिंग बन रही है जो कि आप देख रहे हैं, और ये इसका बालकनी हो गया, बालकनी का डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, डिज़ाइन भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, सीलिंग का डिज़ाइन जो इन्हें दिया हुआ है बिल्डर ने। मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम जो कि इसके जो साथ में कनेक्ट हो रहा है, ये इसका सेकेंड बेडरूम है। इसमें आप देख सकते हो मार्बल का काम करा गया फ्लोरिंग में सारे में, ये सेकेंड बेडरूम है इसका फ्रेंड्स। यहाँ पे भी आपको एक बड़ी सी विंडो दी गई है जो कि आप देख सकते हो, ये मार्बल लगी हुई है इसमें, इसमें भी आपको डोर के लिए प्रोविज़न दिया गया है, एक आपको विंडो के लिए छोड़ा गया प्रोविज़न। ये इसका बालकनी हो गया, बालकनी मैंने आपको दिखाया था अभी, सेम बालकनी है। एसी के लिए यहाँ पे आउटर यूनिट के लिए यहाँ प्रोविज़न छोड़ा गया है, और सीलिंग आप देख सकते हो डिज़ाइन दिया गया है इसमें भी, और मूविंग ऑन टू दी वॉशरूम, ये इससे अटैच ही वाशरूम है। यहाँ पर देख सकते हो मार्बल का काम करा गया है इसमें भी प्रॉपर चौखट में भी, जो कि देख सकते हो आप, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ये हो गया कमोट एरिया, ये हो गया शावर एरिया, कमोट एरिया, शावर एरिया, और ये वाला हो गया वॉश मशीन एरिया जो कि आप देख सकते हो। इसमें भी आपको विंडो का प्रोविज़न दिया गया प्रॉपर, एयर लाइट के लिए वेंटिलेशन बनी रहेगी प्रॉपर, और ये इसका लॉबी एरिया हो गया। आप देख सकते हो डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, फॉल सीलिंग का काम इसमें चल रहा है अभी, और डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका जो यहाँ पर काम किया है इन्होंने, और बड़ी सी 3 विंडो मिल रही है आपको इसमें जो कि देख सकते हो आप। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, ये इसका तीसरा बेडरूम है, इसमें भी जो फ्लोरिंग होगा मार्बल का काम किया जाएगा इसमें प्रॉपर, ये आप देख सकते हो। इसका सीलिंग हो गया, इसमें भी डिज़ाइन कुछ दिया गया है, डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एसी के लिए प्रोविजन छोड़ा गया है इसमें, ये इससे अटैच वाशरूम है। अभी थोड़ा अंधेरा है, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ क्या साइज़ का है ये। मूविंग ऑन टू दी
फोर्थ बेडरूम जो कि इसका फोर्थ बेडरूम हो गया। इवन आप देख सकते हो फ्लोरिंग में मार्बल काम करा गया है, मार्बल लगी भी प्रॉपर इसमें। सीलिंग में आप देख सकते हो डिज़ाइन दिया गया है फॉल सीलिंग में। लाइटिंग के लिए यहाँ पे कुछ डिज़ाइन छोड़ा गया है। एसी के लिए वहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है, प्रॉपर डोर्स के लिए प्रोविज़न दिया गया है इसमें। यहाँ पे स्लाइडर वार्डरोब आ जाएगी प्रॉपर। इससे अटैच ये वॉशरूम यहाँ पे है जो कि आप देख सकते हो। ये इसमें भी यहाँ पे विंडो के लिए प्रोविज़न दिया गया है बड़ा सा जो कि आप देख सकते हो। ये वाला हो गया कमोट एरिया, ये शावर एरिया, ये वाला आपको हो गया वॉश बेसिन एरिया यहाँ पे। ये बैक साइड बालकनी हो गया इसका। इसमें कुछ डिज़ाइन दिया गया है प्रॉपर जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे आउटर यूनिट के लिए यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया, छोड़ा गया यहाँ पे। ये कुछ पीछे का स्पेस यहाँ पे छूटा हुआ है। मूविंग ऑन टू द किचन एरिया, जस्ट इसके साथ ही में कनेक्ट हो रहा है किचन। ये किचन एरिया है प्रॉपर, ये प्रॉपर रहेगा मॉडलर किचन फ्रेंड्स। इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का काम होगा प्रॉपर। साइज आप देख सकते हो काफी बड़े साइज का किचन का साइज है ये। जो कि आप देख सकते हो ये प्रॉपर मॉडलर किचन है का फ्रेंड्स। इससे कनेक्ट हो रहा है ये बैक साइड बालकनी जो मैंने दिखाया था अभी आपको। यहाँ पे भी टॉप में सारे में काम करा गया मार्बल का जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी लगी हुई प्रॉपर मार्बल। ये इसका डिजाइन हो गया कुछ। ये कुछ पीछे का स्पेस छोड़ा गया है। और ये हो गया इसका लॉबी एरिया। लॉबी का डिज़ाइन आप देख सकते हो, डिज़ाइन देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। प्रॉपर लाइट आएगी इससे। तो फ्रेंड्स ये था सेक्टर 23A 250 स्क्वायर यार्ड नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी। इसमें दो फ्लोर अभी अवेलेबल है, सेकेंड और थर्ड। प्राइस एंड ऑल सारा कुछ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अच्छा लगा वीडियो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।